आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज एक बार फिर वाजिदा तबस्सुम का एक और अफसाना, उन्वान है झूठन। जी हाँ, उर्दू में झूठन, हिंदी में झूठन। सुनिए, हरामजादे पावा दबा दिया के मजाक कर दिया रे। बड़े सरकार ने जोर से लात मारी और कलवा एक लुढ़कनी खाकर दूर जा गिरा। हाथा कदम कैसे चला गया? हराम खोरों को कितना भी खिलाओ पिलाओ, खून में जो मस्ती और काम चोरी की आदत है, उठ जरा जोर देकर दबा। कल्लू अपनी मुट्ठी भर हड्डियों को समेटता और फिर बड़े सरकार के शानदार बिस्तर पर डरता सहमता चढ़ गया। आज के हाथ पांव वाकई काम नहीं कर रहे थे, उसे उनमें दमी महसूस नहीं हो रहा था। पेट में कुछ हो तो इंसान में ताकत भी आए, यहां तो जिंदगी का तौर ही निराला था। देवड़ी कामकाज करने वालों से भरी पड़ी थी। एक तो अन्नाएं थी जो गरीब मगर शरीफ घरानों से ढूंढ ढूंढ कर लाई जाती थी ताकि नौ मौलूद पाशा लोगों को दूध पिलाएं, उनकी चांदी ही चांदी थी। बेगमात बीवियों का सा बल्कि उनसे भी बढ़ चढ़ कर खाना मिलता ताकि नई नस्ल अच्छी तरह परवान चढ़े और बच्चों को दूध की कमी ना रहे। दूसरे दर्जे पर मामाएं थीं जो मतबख की करता धरता थी। पहले उन्हीं के हाथों से होकर खाना पाशा लोगों तक पहुंचता था, चखते पकते ही इतना उड़ा जाती कि पेट भर जाता, और जो ये ना होता तो चुरा चुरू कर पेट भर लेती। तीसरे नंबर पर ऊपर के कामकाज की छोकरियां और छोकरे, मावली तंबोली चौकीदार और चाऊश आते थे जिनका खाना देवड़ी से ही मिलता था। उनका खाना खट्टी दाल चावल सब्जी पर मुश्तमिल होता। बड़ी सरकार खाना बनने के वक्त खुद आकर खड़ी होती। वो अच्छे खासे चमचों को जिनमें ज़रा भी गहराई होती ठोक पीट कर सीधा करा लेती, क्योंकि डोंगे और गहरे चमचों में ज़्यादा सब्जी और दाल चली जाती है और खामखा अनाज की बर्बादी होती है। अब या तो उल्टे चम्मच से खाना परोसा जाता या उन ठोंके पिटे चमचों से। बहरहाल पेट तो सबका पल ही रहा था। अब चौथे नंबर पर सारी मुसीबत उन ऊपर के काम करने वाले छोकरों की थी जो मर्दाने में महज सूखे पर नौकर थे। 2 रुपए कलदार उनकी तनख्वाह होती, खाना उन्हें अपने घर पर जाकर खाना पड़ता। कई बार ऐसा होता कि देवड़ी के हंगामे में छुट्टी मिल भी ना पाती और काम करते करते उन्हें ऐसी जोर की भूख लगती कि आते उलट उलट कर मुंह को आने लगती, और घर जाकर भी कौन से तरतराते पराठे पुलाव और मीठे उनके इस्तकबाल को मौजूद होते। वही खट्टी दाल चावल जो उन्हें शायद सदियों से विरसे में मिला हुआ था। कलवा इस लिहाज से बड़ा खुशनसीब था कि बड़े सरकार के मुंह चढ़ा हुआ था। मुंह चढ़ा इन मानों में कि उनके बिस्तर का राजदार था। एक से एक तरहदार छोकरी उसने लाकर बड़े सरकार के बिस्तर पर नून गुन्ना बना दी थी, और बड़े सरकार को उसकी खूबी का पता भी न चलता। अगर एक दिन वो उसे जनान खाने में जाकर पान लाने को ना कहते, अब पानदान पर तो मुश्तरी हुक्मरान थे, जिसे चाहे दे और जिसे चाहे धुतकार दे, और ऐसी हर्राफा के कुछ पूछो नहीं। इसलिए कलवा डरते डरते कान खुजाता बोला, पाशा पान लाने का आप हमीद को बोलो ना। वो कई कू, नवाब साहब ने गुस्से से कहा, तेरे हाथा मेहंदी में लिपटे क्या? अब की बार कलवा कान और सन दोनों खुजाकर बोला, नहीं पाशा वैसी बात नहीं, वो मुश्तरी है ना, उन्हें
वो चुप रह गया। क्या करती मुश्तरी? बड़े सरकार छिड़कर बोले, बादशाह। वो मिनमिना कर बोला, वो नंबर एक की छिनाल है, उन्हें मेरे हाथ ले को अपने सीने पर रख लेती। फिर वो बड़े मासूम लहजे में शर्मा कर बोला, और पाशा मौलवी साहब बोले कि शरीफ मर्दा बस अपनी बीवी के सीने को हाथ लगाना, उन्हें तो गैर हुई ना। बड़े सरकार को उस वक्त ना मौलवी साहब से गरज थी ना उनके वास से। उनके तस्वर में जगमगाती हुई मुश्तरी घूम रही थी जो इतनी बेबाक थी और कमबख्त जनान खाने में चाकरी कर रही थी। फिर कलदार एक पूरा एक रुपया यानी आधे महीने की तनख्वाह पूरी कलवा के हाथ में आ गई। यानी तनख्वाह के अलावा बदले में वो मुश्तरी को पटाकर मर्दाने तक रात के अंधेरे में ले आया। और रात के अंधेरे में ही तो चांद जगमगाता है बस इसके बाद तो यह मामूल हो गया कि कलवा बड़े सरकार का मुशीर खास बन गया। खाना बाग से लेकर मौजम जाही मार्केट से लेकर चार मीनार के अतराफ से लेकर कोटला आली जाह से लेकर मीर आलम की मंडी से लेकर पंछी बुराक से लेकर महबूब की मेहंदी तक कोई जगह ऐसी ना बची जहाँ के फेरे उसने ना मारे हों। और बड़े सरकार की खिदमत अकदस में हर रात एक नया चांद तुलू ना कर दिया हो। वक्त और व्यापार सलीका भी सिखा देते हैं। अब वो महज एक रुपए के अवज एक चांद सप्लाई ना करता, किसी की तारीफ में जमीन आसमान के कुलावे मिला दिए तो दो से लेकर पांच रुपए तक भी बना लिए। कभी दस तक भी नौबत पहुंची, कभी कभार उससे भी ज्यादा। लेकिन रहा वही देवड़ी का बाहर का पुट्टा, सारा पैसा वो अजला में रहने वाले माँ बाप को भिजवा देता जिनकी हकीर सी जमीन मुस्तकिल कर्जों में फंसी हुई थी। खाना कलवा का अभी तक उसके जाती घर में ही होता, जहाँ उसकी बीवी खट्टी दाल मोटा चावल पकाकर उसका रास्ता देखती होती। लेकिन बड़े सरकार का मुशीर खास बनने का एक फायदा जरूर हुआ था। आए दिन उसे रात के खाने में बची हुई अनवाओ अकसाम की नेमतों से भरा तश्त यूं ही मिल जाता। बड़े सरकार थे दिल वाले, शराब कबाब उड़ाने के बाद वैसे भी इंसान को कितनी भूख बाकी रह जाती है। जन्नत की सी नेमतों से भरा तश्त खासुल खास बड़े सरकार के कमरे में पहुंचा दिया जाता था, क्योंकि नशे के मारे उनके लिए अपने आप चलना भी धूपर हो जाता। यूं ही थोड़ा बहुत टोंक कर खिलाने वाले खादिम से कहते, तश्त वापस नक्को ले जाओ, इन्हें कलवा बैठा है बाहर, उसको दे दियो, ये झूठन उसीच का हिस्सा है। खिलाने वाला खादिम इस इनायत पर जल भुनकर खाक हो जाता और अपने जी की जलन मिटाने के लिए बाहर बैठे हुए कलवा से पुकार कर कहता, ये ले झूठन खाकर बर्तन खाली कर को, जल्दी से दे दे मेरे को। वो झूठन पर ज्यादा जोर देता, लेकिन नेमतों से भरे हुए खान उसी सूरत में कलवा को मिलते थे जब बड़े सरकार कहीं मदऊ न होते। जिस दिन वो कहीं दावत पर तशरीफ ले जाता या जिस दिन उनकी तबीयत सुस्त होती, वो जनान खाने में कहलवा देते कि आज खाना न भिजवाया जाए, तो कलवा की मैयत उड़ जाती। दिन भर का भूखा प्यासा, न हाथों में दम न उंगलियों में जान, बस यूं ही हिल हिल कर बराए नाम पाँव दबाए जाता। इस तरह के बड़े सरकार के पैरों पर तो कम वजन पड़ता और कलवा खुद अपने जिस्म को ज़्यादा छकोले देता रहता। और इसी छकोले में गुस्से से भरे हुए सरकार की एक आध लात ऐसी करारी पड़ती कि कलवा मसहरी से धप से नीचे जा गिरता। दोबारा अपने आप को समेटता और पैंती पर चढ़ जाता। ऐसी ही लात उसके आज पड़ी थी, मगर आज जो सरकार ने उसका लात मारी तो उसमें पाँव अच्छी तरह न दबाने की सजा कम
और कोई अच्छी सी लड़की ना ढूंढ लाने की सजा ज़्यादा थी। इतने दिनों से मुसलसल ये हो रहा था कि रोज़ एक नई लड़की आती, मगर इतनी बहुत सी नई लड़कियाँ आखिर आएँ कहाँ से। हैदराबाद दक्कन का एक बड़ा मशहूर सब्जी तरकारी का बाज़ार था, जिसे उर्फ आम में मीर आलम की मंडी कहते थे। लड़कियों की भी ऐसी ही कोई मंडी होती तो क्या बात थी, बस गए पैसे दिए और बैलगाड़ी भर लड़कियां तुलवा कर ले आए। लेकिन लड़कियां तो जनाब ढूंढ ढूंढ कर हीले बहानों से रुपए पैसों का लालच देकर ही लाई जा सकती थी, और वो भी ऐसी सूरत में जब उनका वजूद हो। जितने पते ठिकाने मालूम थे वहां की खूबसूरतियां बिस्तर की सीरत बनाई जा चुकी थी, और इधर नवाब साहब का जिस्म टूटा जा रहा था। नागिनों से डसवाने की ऐसी लत लग चुकी थी कि घर की बीवी या फुसफुसी मालूम होने लगी थी। वैसे भी वो इस तरह सोचते थे, दुनिया को आने का अजीब और गरीब दस्तूर है, कपड़ा पुराना होता दिल से उतरता, आप किसी को भी दे देते कोई कुछ नहीं बोलता, जवानी पुरानी हो गई आप फेंक देते या दूसरी खरीद लेते कोई कुछ नहीं बोलता, एक एक खाना खाते खाते आपका दिल भर जाता आप बोल को दूसरी हांडी पकवा कर खा लेते कोई कुछ नहीं बोलता, होड़ तो होड़ में साल के साल हाथ की घड़ी बदल देता कोई कुछ नहीं बोलता, पर आप जरा बीवी से उगता जाते और छोकरी बांदी से दिल बहलाना चाहते तो सारी दुनिया नामा रखती। ये दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है, और इस अजीब व गरीब दुनिया का चलन बदलने और नई रीत कायम करने के लिए ही वो रोज़ एक नई तब्दीली के खां थे। और आज के गुस्से की वजह यह थी कि सरकार का हुक्म था कोई नवी चीज़ होना। पांव ज़रा समेट कर नवाब साहब ने ज़रा नरमी से फिर बात शुरू की। हो रे तू रुपये पैसे के मारे तो पीछे नहीं हट रहा। उंगता हुआ कलवा एकदम चौकन्ना हो गया और कारोबार में मच चुका था, समझ गया चोट लगाने का वक्त और मौका यही है। बज़ाहिर बेपरवाही से बोला, जी हो पाशा आप सच्ची समझे, मगर मैं आपसे इस वास्ते नहीं बोला कि आप नहीं तो समझते कि मैच खुरुद बुरुद कर दिया। फिर ज़रा रुक कर कहने लगा, पाशा उसकी माँ 25 रुपये कलदार मांग रही थी। बड़े सरकार एक झटके से उठकर बैठ गए, 25 रुपये ऐसी कौन सी कोहे खाफ की परी है इन्हें। कलवा परचाने के अंदाज से बोला, जी हो पाशा कोहे खाफ की परीच, कोहे खाफ की परीच है उन्हें, नहीं परी वैसी निकली तो कलीमुद्दीन से पलट कर मेरा नाम कलवा रख देना। फिर ज़रा आगे झुककर इधर उधर देखकर बेहद राजदारी से बोला, पाशा कभी लाल मिट्टी का कोरा बर्तन देखे आप, पानी पड़ते इस कैसे सन से बोलता है, बस ऐसे ही कोरा बर्तन समझ लियो पाशा, सन सन। कुछ ऐसे अंदाज से कमबख्त ने नक्शा खींचा, बड़े सरकार की रग रग सन सन करने लगी, तड़प कर खड़े हो गए। अचकन की जेब से खन खन कर 25 रुपए निकाले और कलवा की तरफ उछाल कर बोले, जाको बस अभी अभी ले को आ जा वो छोकरी को। कलवा रुपए दोनों मुट्ठियों में दबाकर तेजी से निकला और बर्फ रफ्तारी से भागता हुआ अपने घर पहुंच गया। सक्कू आगे हो, सक्कू आगे हो, सक्कू काम काम मर गई। हवास भागता सकीना सामने के दालान से निकल आई, काहे को इतना चिल्ला रही, आगे खाना खाएंगी, मुर्गा बिरयानी डबल का मीठा दही की चटनी किशमिश वाले नान। सकीना अफसोस से बोली, भूख के मारे सचमुच भी तो पागल दीवाने बन गए, पर मैं भी क्या करूं आज तो दाल चावल को भी पैसे नहीं थे, फाका ही सब जो आगे फाका नहीं दावत बोल दावत, देखिए रुपए। और उसने रुपए दालान में उछाल दिए। सकीना पागलों की तरह रुपयों पर लपकने लगी, एकदम कलवा उसे अपने दोनों हाथों में संभाल कर कहने लगा, बस पहले एक छोटा सा काम कर दे मेरा, फिर ये सारे रुपए अपने साल भर को पूरे पूरे पड़ जाते, इतने इतने तो
क्या काम है, जल्दी बोलो ना। सकीना खुशी से पागल होते हुए बोली। कलवा ने मेहराब में ठूंसे हुए कपड़ों में झट से एक मलबल का सफ़ेद कुर्ता निकाला, अपने हाथों से सकीना के जिस्म पर से महिला कुर्ता घसीट कर उतारना शुरू कर दिया। वो चिल्लाई भी, आगे आगे ये क्या करते जी तुम्हें बेशरम की दर के, क्या मेरे को कपड़ा पहनना नहीं आता। लेकिन इतनी देर में कलवा उसका कुर्ता उतार कुदरत की सन्नाई की दाद देने के लिए तैयार हो चुका था। सको तू माल है, सच्ची तू माल है, तू 25 रुपये के ही लायक है, चल जल्दी कर। फिर उसने मबूत खड़ी सकू को अपने हाथों कुर्ता पहनाया, दुपट्टा उड़ाया और घसीटता हुआ ले चला। बड़े सरकार की जो नज़र उठी तो उठी ही रह गई। गरीबी जब बलमल का कुर्ता किसी गरीब को पहना देती है तो नवाबों को भिखारी बना देती है। बड़े सरकार एक भिखारी की तरह उसे तके जा रहे थे। गरेबान तक जो पट्टी लगी हुई थी उसमें हल्की सी गिलेट की जंजीर में बजने वाले बटन जगमगा रहे थे और जंजीर और बटन के दाएं और बाएं गुलाबी कटोरियों में जैसे खीर भरी रखी थी, जिसे चाटने के लिए बड़े सरकार बेकरार हुए जा रहे थे। उन्होंने फाका जदों के अंदाज से कलवा से मुड़कर कहा, 25 रुपये तो बहुत भी बहुत कम बोला तुम्हारे तो, 25 रुपये तो फकत इस पोसे वार को फेंक देना। रोती धोती सकीना बाहर निकली तो कलवा वहीं झाड़ियों में दुबका बैठा था। उसे देखकर वो तेजी से उठा, उसका हाथ पकड़कर उसे भगाते हुए देवड़ी से बाहर ले गया। एक हाथ से रिक्शा रोककर उसने लामपल्ली स्टेशन के एक बड़े से होटल का पता दिया जो रात गए तक खुला रहता था। कुर्सी पर बैठते ही उसने मुर्गी बिरयानी, मीठे दही की चटनी, नान, एक से एक बढ़िया चीज़ का ऑर्डर दे डाला। मेरा एक एक चीज़ लाकर चुनता गया। पहली बार उसने नजरें चुराकर सकीना की तरफ देखा। रोने को सारी रात पड़ी है, बल्कि सारी जिंदगी पड़ी है गे। रसुन, पहले पेट भरकर खाना तो खा ले, ये तेरी तो कमाई है। सकीना ने पहले अपने शौहर की तरफ देखा, फिर पास पड़ा हुआ चमचा उठाकर तड़ातड़ जोर जोर से सर पर मारना शुरू किया। आगे आगे ये क्या करती है, आगे देखना तो कब से मुर्गी की खुशबू भी नहीं सूखी होंगी, बिरयानी का मज़ा कैसा होता ये भी तेरे को याद नहीं दिया होंगे रहा होंगा, पर अब देखना, देख देख क्या बहुत सा कितना मज़ेदार खाना है, तू भी तो सुबह से भूखी थी ना। चमचा छोड़कर सकीना ने खाने की तरफ देखा, उसकी भूख उसे डसने लगी। उसने दीवानों की तरह दोनों हाथों से मुंह में बेवक्त कई चीज़ें ठूसनी शुरू कर दी। कलवा का प्रोग्राम सोचा समझा था, साल भर की तनख्वाह एक ही साथ ही मिल गई थी, बीवी की इज्जत गई, उसको उसका इसे दुख जरूर था, लेकिन सूखे पेट ने उसे जवाब भी समझा दिया। इतने जमाने से मेरे साथ सोती थी, बस एक रात बड़े सरकार के साथ सो गई तो कौन हीरे मोती जड़ गए, बात तो एक ही हुई, सरकार के साथ सोने से कम साल भर की तनख्वाह एक साथ तो मिल गई। अब उसने ये सोचा था कि चुपके से निकल कर सकीना को साथ लेकर माँ बाप के पास अजला में चला जाएगा और बाकी ज़िंदगी खेती के कामकाज में चैन और इज्जत से गुजारेगा। रोज़ रोज़ की लातें अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 2 दिन तैयारी में निकल गए, उन 2 दिनों में देवड़ी ही नहीं गया और जाने की अब ज़रूरत भी क्या थी, अपने हिसाबों तो उसने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन उधर जो नवाब साहब को पहली धार की तरह चढ़ गई थी, वो लड़की उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन तो उसी इंतज़ार में निकल गए, कलवा आए तो फिर उसी कोरी लाल मिट्टी की सुराही को बुलवाए, मगर जब कलवा पलटा ही नहीं, बड़े सरकार खुद ही शक्रम लगवा कर उसे घर पहुंच गए। ये जाहिर करने के लिए दो दिन से कलवा नहीं आया तो वो खैरियत पूछने आया। कलवा उस वक्त किसी काम से बाजार गया हुआ था, घर में सिर्फ सकीना थी। नवाब इकतदार यार जंग का कलवा ऐसी हकीर फकीर मुर्गी झोपड़ी तक आना जाना ऐसी कोई मामूली बात तो नहीं, सारे मोहल्ले में शोर बच गया। अगे एक बहुत भी बहुत खूबसूरत भारी बड़ी भारी शिक्रम आई थी, कोई नवाब साहब आए गए। सकीना भी तेजी से बाहर निकली, नवाब साहब से उसकी आंखें चार हुई। नवाब साहब का दिल उछल कर सीने से बाहर निकलने लगा।
जिसके लिए वो यूँ तड़प रहे थे, वो इस कदर आसानी से मिल जाएगी इसका उन्हें गुमान भी ना था। मगर रोब दाब कायम रखने की खातिर पूछा, कलवा का घर कौन सा है? यही छे सरकार, कई आदमी एक साथ बोले। तो उसके घर ये छोकरी कौन खड़ी? ये इन्हें तो उसकी मकान वाली बीवी होती सरकार। नवाब साहब कभी सकीना को तो इतने कभी मोहल्ले वालों को दिल में गुस्से का उबाल सा उठा। तो उसने हरामजादा सुअर का जना हमको धोखा दिया, पूरे 25 रुपए का धोखा। अच्छा बच्चा जी, वो सकीना से मुखातिब होकर बोले, ये हमारा चाऊश तुम्हारे घर पर बैठा रहेगा, कलवा आए तो उसको फौरन देवड़ी पे भेज दो। कलवा बेदे मजनू की तरह कांप रहा था, जब जपा जप बेद पर बेद पड़ रहे होंगे तो अच्छे अच्छे भी बेदे मजनू की तरह कांपने लगते हैं। और वो तो था ही तमची की तरह, क्यों बे हराम की औलाद, जब अपने घर की आपस की बात थी तो मेरे से रुपये क्यों लिया? इतनी खूबसूरत तेरी बीवी थी तो तेरा काम नहीं था कि वैसे ही चिल्लाकर पेश कर देता? क्या मेरा नमक नहीं खाता तू? कलवा कुछ ना बोला। अब तेरी सजा यह है कि वो रुपए मेरे को वापस कर, और सजा के तौर पर 1 महीना रोजाना अपनी बीवी को मेरे पास भिजवा। कलवा कुछ ना बोला। और सुन, तेरी एक सजा यह भी है कि जब हम और तेरी जोरू अंदर रहे तो दरवाजे पर भी बैठा रहे, फिर तेरा जी तो जलना कि अंदर तेरी जोरू का क्या हशर हो रहा। कलवा कुछ ना बोला। फिर सरकार ने खाना खिलाने वाले खादिम को बुलाकर जोरदार अल्फाज में तंबीह की, अब से हमारी छूटर इस हरामजादे को नक्को देते जाओ, बहुत हराम हो रहे इन्हें, खा खा को मस्ती चढ़ गई इसको। खौफ की ज्याति कभी कभार इंसान को बेखौफ बनाती है, अब कलवा पहली बार बोल रहा, हो आज से मैं सरकार की झूठन नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब तो सरकार मेरी झूठन खाने। बड़े सरकार के हाथ से बेच छूट कर उनके पैरों पर आ पड़ा। ये था अफसाना झूठन।